बेरोजगारी की समस्या को लेकर आए हैं, अतिथि शिक्षक हैं, और हम लोगों को अभी जुलाई माह आधा हो गया है, अगस्त आने को है, बच्चों के स्कूल 15 जून से लग चुके हैं और अतिथि शिक्षक को अभी भी रोजगार नहीं दिया गया है, उनकी नियुक्ति नहीं की गई है, तो इस कारण से हम बेरोजगार हैं अभी। और अपनी नियुक्ति के लिए आज महारैली के माध्यम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, और अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाता, हमारी मुख्य मांग है नियमितीकरण, और जल्द से जल्द हमको नियमित किया जाए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और अन्य 6 राज्यों में 62 साल की सेवा देकर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, बस हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी उन्हीं नियमों को मानते हुए हमें भी नियुक्त किया जाए, नियमितीकरण दिया जाए, और अगर हमारी इन मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है तो 25 तारीख को भोपाल की धरम है, हम एक उग्र आंदोलन करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश का पूरा 1,00,000 अतिथि शिक्षक भोपाल की धरम में होगा, और भोपाल के इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मेरा नाम अमिताभ जोशी, पनागर ब्लॉक अध्यक्ष, जबलपुर। मोर्चा श्रीमती वंदना सिंह राजपूत, महिला उपाध्यक्ष, जबलपुर, शहप्रा ब्लॉक से हूँ, और हम लोग आज रैली के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि सोई हुई सरकार को हम लोग को जगाना है, क्योंकि 2008 से 18 निकल गया, 18 से हम चाहते कि 28 ना आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग का भविष्य अंधकारमय है, और हम लोगों ने जो 10 सूत्रीय मांगों को तैयार किया है वो कलेक्टर के माध्यम से हम लोग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर को जो महापंचायत में जो घोषणाएँ की थी वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो घोषणाएँ पूरी करें और हम लोगों को स्कूल में आदेश निकालें और अपने पद पर स्थायी करके हम लोगों को स्कूल में ज्वाइनिंग दें, क्योंकि अभी हम लोग का फरवरी माह से अब तक वेतन नहीं आया है, तो 5 महीने होने को जा रहा, तो हम लोग का घर परिवार कैसे चल रहा है, हम लोग एक परिवार में रहते हम लोग अपना परिवार कैसे गुजर, तो हम लोगों की ना टाइम पे पेमेंट होती है और ना हम लोगों को टाइम पे बुलाया जाता है। इस साल 2-2 चुनाव हुए, तो चुनाव के दौरान हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई और जो रिजल्ट निकल के आया है तो अतिथि शिक्षक को उसका श्रेय दिया गया कि यहाँ का रिजल्ट बिगड़ा है, उसको स्कूल में ना रखा जाए, तो ऐसा भेदभाव हम लोगों के साथ सरकार कर रही है। हम लोग उनको जगाना चाहते हैं सरकार को अपनी रैली या ज्ञापन के माध्यम से कि इस प्रकार का भेदभाव की जो सरकार है, भेदभाव से सरकार नहीं चलती है, हम लोग उनको लाए और हम लोगों को उन्होंने रोड पर छोड़ दिया, क्योंकि ना टाइम पे बुलाना ना टाइम पर वेतन देना, तो इसलिए हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से जगाना चाहते हैं कि हम लोगों को एक आदेश निकाले और हम लोगों के पद पर जो नियमित करना है नियमित करेंगे, लेकिन जो अभी ट्रांसफर और प्रमोशन के दौरान जो शिक्षक आते हैं तो हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है और हम लोग दर दर भटकते हैं, तो इस स्थिति में आज हम लोग 18 साल से स्कूल में, तो इस स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे, 40-45 की एज में हम लोग कौन सा रोजगार ढूंढेंगे इस समाज आदि, तो हम लोग अपना पद स्थायी चाहते हैं और जो 10 सूत्रीय मांगे हैं उसको हम लोगों को हम लोग चाहते हैं कि उसको पूरी करें सरकार, इस माध्यम से हम लोग आज ज्ञापन देने आए। इसके पहले आप कौन से स्कूल में पदस्थ थे? हम एक ही मतलब संकुल में है, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सहपुरा, मैं आज से 15 साल से पदस्थ हूँ वहाँ का, एक ही। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो 25 तारीख का हम लोगों का कार्यक्रम है, हम लोग सब एकत्रित होकर के 75,000 अतिथि शिक्षक भोपाल की धरा पर जाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, और अगर उस समय सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम बताएं। श्रीमती वंदना सिंह राजपूत, महिला मोर्चा।